सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राव एडिटिंग। तो मेरे भाई, आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं स्नैपसीड ऐप की मदद से आप एकदम परफेक्ट सीबी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को आपको जस्ट लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो को फटाफट से कर देना है लाइक, और चैनल पर पहली बार आ गए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हाँ भाई, अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जाओ फॉलो कर लो। आपको कुछ पूछना हो तो वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो जाओ और फॉलो कर लो। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि यार मैं सिंपल सा ये फोटो ले लिया, ओके, एक मॉडल का, तो आपको भी इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो फिर आपको क्या कर लेना है, इसे शेयर कर लेना है स्नैपसीड ऐप पर। ओके, तो मैं फटाफट से इसे शेयर कर लेता हूँ। पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और आपको जाना है ट्यून इमेज पर। ओके, तो ट्यून इमेज पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको ब्राइटनेस को आपको इसे क्या कर लेना है, इसे आपको बढ़ा लेना है 33। ओके, फिर आपको कॉन्ट्रास्ट पर जाना है, आपको कॉन्ट्रास्ट को आपको क्या कर लेना है, आपको इसे बढ़ा लेना है प्लस 19। ओके, इतना हो जाने के बाद आपको सैचुरेशन में जाना है, सैचुरेशन को आपको बढ़ा लेना है, इसे कर लेना है आपको प्लस 100। ओके, इतना हो जाने के बाद आपको फिर एमिनेंस पे जाना है। ओके, तो एमिनेंस को आपको क्या कर लेना है, इसे भी आपको प्लस 30 रहने देना है, और हाईलाइट को आपको क्या कर लेना है, इसे माइनस 39 रहने देना है। ओके, और शेडो को आपको क्या कर लेना है, शेडो को आपको इसे कर लेना है माइनस 22, और वॉर मेथ को आपको क्या कर लेना है, इसे आपको कर लेना है माइनस 2, और इसे ओके कर लेना है। ओके, ओके करने के बाद आपको शेयर वाला पास वाला आइकन दिख रहा है, ये वाला। ओके, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और व्यू एडिट पर जाना है। व्यू एडिट पर जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, ट्यून इमेज पर जाना है। इसके बाद प्लस वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, ट्यून इमेज आपको 100 रख लेना है, एक बार आपको ब्रश कर लेना है इस तरीके से। ओके, तो फिर से कलरफुल हो जाएगा। ओके, फिर क्या कर लेना, आपको ट्यून इमेज को आपको माइनस 0 कर लेना है। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, इसे फेस फेस पर इसे हटा लेना है। ओके, इस तरीके से फेस पर से ऐसे हटा लेना है। ओके, तो जैसे कि मैंने हटा लिया और इसे ओके कर लिया। ओके, तो बैग आ जाना है, बैग आ जाने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर फिर से क्लिक कर लेना है। ओके, ये क्लिक करने के बाद आपको डिटेल पर जाना है। ओके, तो डिटेल को आपको इसे बढ़ा लेना है। ओके, डिटेल को क्या कर लेना है, आपको प्लस 75 रहने देना है, और शार्पिंग को आपको इसे कर लेना है प्लस 14। ओके, तो इसे ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर फिर से जाना है, और HDR पर आपको जाना है। ओके, HDR को आपको क्या कर लेना है, इसे भी आपको बढ़ा लेना है, HDR को आपको रख लेना है प्लस 28। ओके, फिर आपको ब्राइटनेस पर जाना है, तो ब्राइटनेस को आपको इसे प्लस 29 रहने देना है, और सैचुरेशन को आपको क्या कर लेना है, इसे रख लेना है प्लस 20। ओके, ये ओके हो जाने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर फिर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्टिव पर जाना है, सिलेक्टिव पर जाने के बाद आपको फेस पर इसे रख लेना है। ओके, फिर आपको ब्राइटनेस को बढ़ाते जाना है। ओके, 28 आपके हिसाब से आप रख सकते हो, तो मैं 28 रहने देता हूँ। ओके, और कॉन्ट्रास्ट को आपको रख लेना है माइनस 21। ओके, आपके फोटो के हिसाब से आप कर सकते हो, और सैचुरेशन को मैं रख लेता हूँ माइनस 17, लास्ट वालों को मैं रख लेता हूँ माइनस 6, ओके कर लेता हूँ। तो ओके करने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर फिर से क्लिक कर लेना है, सिलेक्टिव पर जाना है। ओके, सिलेक्टिव पर जाने के बाद आपको इसे हाथों पर रख लेना है। ओके, हाथों को भी हम गोरा करेंगे। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को माइनस 9 रहने देना है, सैचुरेशन को आपको इसे माइनस 5, और लास्ट वाले को आपको माइनस 7, और इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको क्या कर लेना है, ओके, तो यहाँ पे पहले का फोटो देख सकते हो और अभी का फोटो देख सकते हो, तो काफ़ी मतलब अमेजिंग हो गया। तो अब क्या कर लेना है, हमें सीबी ब्लर करना है। ओके, सीबी ब्लर बैकग्राउंड और लेंस लगाना है। तो आप क्या कर लेना है, इसे डन पर आपको, ओके, तो आपको इसे कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप पर शेयर। ओके, तो मैंने शेयर कर लिया है इसे। ओके, शेयर करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको जाना है ब्रश वाले आइकन पर। ओके, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, सिंपल से क्लिक करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाना है। ओके, तो आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको स्वाइप अप करते जाना है। ओके, स्वाइप अप करने के बाद आपको ये वाला फिल्टर दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको डबल टैप कर लेना है, और इसे आपको बढ़ा लेना है। ओके, तो 95 रहने देना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टार आपको लगा लेना है। ओके, तो इस तरीके से मैं स्टार लगा लेता हूँ। ओके, तो गाइस, जैसे कि मैंने इसे स्टार्ट लगा दिया है। ओके, आपको क्या कर लेना है, फिर से आपको इसे फोटो को सेव कर लेना है। ओके, फोटो को सेव करने के बाद आगे का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। ओके, तो गाइस, मैं जैसे रोटेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि एयर ब्रश में आपको रोटेट करने पर फोटो काफ़ी छोटा दिखता है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। फिर आपको क्या कर लेना है, एयर ब्रश में आपको इसे
करना है शेयर, ओके। तो इस तरीके से शेयर होगा, ओके। तो इस तरीके से आपका टूल्स खुलेगा, तो आपको टूल्स पर आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको बूके दिख रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिक अपने ब्लर कर देगा, ओके। तो फोटो वैक तो काफ़ी सी भी ब्लर करेगा, ओके। तो इस तरीके से आप ब्लर को बढ़ा भी सकते हैं, और माइनस की ओर ले जाओगे तो आपके ब्लर घट जाएगा, ओके। तो ये देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग ब्लर बैकग्राउंड हो गया, ओके। तो हम इसे यहाँ यहाँ से इरेज करेंगे, तो इरेज पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ यहाँ से आपको इसे इरेज कर लेना है, ओके। आपको जितना इरेज करना है आप उतना यहाँ से इरेज कर सकते हो, ओके। तो मैं फटाफट से इरेज कर लेता हूँ, ओके। तो देख लीजिए काफ़ी सी भी फोटो एडिटिंग हो चुकी है, ओके। तो आपका क्या कर लेना है, इसे शेयर कर लेना है, डाउनलोड वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है, आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, वंदे मातरम।